गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अध्याय 10 पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा देखिए, विद्युत धारा किसे कहते हैं पहले इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो किसी भी चालक तार में आवेश प्रवाह की जो दर होती है, किसी भी चालक तार में आवेश प्रवाह की जो दर होती है वो क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। आपको पूछ लेता है विद्युत धारा किसे कहते हैं, क्या होता रहता है? किसी भी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसे I द्वारा व्यक्त करते हैं। बिना विद्युत धारा किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? I द्वारा, जिसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, इसी कैपिटल ए द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो सूत्र होगा वो ये होगा, आई बराबर क्यू अपॉन टी, जहां क्यू आवेश है जिसका मात्र कूलाम होता है, टी क्या है? समय है। तो ये भी लिख सकते हो किसी भी चालक तार में एकांत समय में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आप देखिए अगली परिभाषा देखते हैं। विभव, अगली परिभाषा है विभव। तो देखिए किसी भी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए क्या गया जो कार्य होता है? मान लीजिए कोई एकांक धनावेश है वो अनंत पर है, ठीक है ना, और इस बिंदु तक लाना है। तो किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए क्या गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है, जिसे V द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है मात्रक? वोल्ट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? V बराबर W अपॉन क्यू। एकांक धनावेश के लिए किया गया जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। और किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य यदि आप विभव का अंतराल ज्ञात करते तो वो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य वो क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाता है, ठीक है ना। कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर W क्या है? कार्य, ठीक है। Q क्या है? आवेश, ठीक है। साथ साथ में इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी करेंगे, ध्यान रखना। अब देखिए किसी भी चालक तार है या किसी भी धातु में जो आवेश होते हैं वो सतह रूप से वितरित होते हैं, जिसमें आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या से इस प्रकार किया जाता है Q बराबर एन ई। यहाँ पर कैपिटल Q भी ले सकते हो आप, कैपिटल Q बराबर एन ई। किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। असमान रूप से इसको कहा जाता है क्वांटीकरण। तो Q बराबर एन ई। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसको दर्शाता है, जिसका मान किस होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से कूलाम, ठीक है। और एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब पहले से संबंध कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल दिया हुआ, उसके अनुसार करते हैं। पहले जैसे आपको कह दिया जाए एक एम के लिए परिभाषा लिखो, इसकी एक एम्पियर की परिभाषा लिखिए। एक एम्पियर की परिभाषा लिखो, ठीक है। तो देखिए इसके अनुसार यदि लिखते हैं तो अपना सूत्र क्या होता है? आई बराबर क्यू अपॉन टी, विद्युत धारा सूत्र से ही होता है, नहीं होता है? विद्युत धारा सूत्र से आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो इसके आधार पर परिभाषा बनाते हैं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए? एक एम्पियर आना चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा, ये यदि किसी चालक तार में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश को
प्रवाहित किया जाता है, एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित किया जाता है। उत्पन्न धारा क्या कहलाती है? एक एम्पीयर कहलाती है, क्योंकि आपको क्यू का मान दे दिया एक कूलम, टी का मान दे दिया एक सेकंड, तो आई की वैल्यू निकालते तो आई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू की वैल्यू क्या है एक, टी की एक, एक एम्पीयर आगे में आ जाए। एक एम्पीयर की परिभाषा यदि आपको बनानी हो तो कैसे बनाओगे, यदि किसी चालक तार में एकांक समय में एक कूलम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न धारा है वो एक एम्पीयर कहलाती है, ठीक है ना। ध्यान रखना, यदि किसी चालक तार में एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न धारा एक एम्पीयर कहलाती है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या देखा है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनिक संख्या ज्ञात कीजिए, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आंसर में क्या लिखेंगे, प्रश्न में क्या लिखा है कि आवेश का मान रखा है एक कूलम, इसे क्या लिखते हैं कूलम, आवेश का क्या होता है ये मात्रक होता है कूलम, ठीक है ना। तो इसमें आवेशों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, तो एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो क्यू और एन और ई में संबंध क्या होता है, तो देखिए चूंकि मैंने आपको बताया था क्यू और एन क्या होता है एन ई होता है, एन की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्यू अपॉन ई, चूंकि ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम ये होती है, इसलिए वैल्यू रखते हैं एन बराबर क्यू का मान ये दे रखा आपको, ये रहा ई की वैल्यू फिक्स होती है इलेक्ट्रॉन की 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, देखिए हल करते हैं तो क्या आएगा, एन बराबर एक पॉइंट हटा देते हैं 10⁻¹⁹, ठीक है। हल कर लेते हैं, इसको हल करें तब आएगा एन बराबर 0.625 × 10⁻¹⁹, ठीक है। और यदि पॉइंट एक आगे ले जाते हैं तो इस प्रकार इसकी क्या है 0.25 × 10⁻¹⁹, यह संख्या है तो इसमें मात्रक नहीं लगेगा, कूलम एम्पीयर को लगा दे, तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 6.25 × 10⁻¹⁹, तो ना भाई माइनस ऊपर जाए किसका होगा प्लस का, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या देखा है, 10 वोल्ट विभव के लिए, 10 वोल्ट विभव के लिए तीन कूलम आवेश को ले जाने के लिए
10 वोल्ट विभव पर चला गया, 10 वोल्ट विभव पर 3 कूलम आवेश को ले जाने के लिए क्या गया कार्य याद कीजिए, क्या गया कार्य याद कीजिए। तो प्रश्न में क्या लिखा है, 10 वोल्ट विभव पर 3 कूलम आवेश को ले जाने के लिए क्या गया कार्य याद कीजिए। तो आपके पास आंसर में देखते हैं क्या लिखते हैं, देखिए विभव का मान रखा है 10 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आवेश रखा 3 कूलम अर्थात क्यू की वैल्यू रखी है 3 कूलम। डब्लू पूछा है कार्य कितना होगा, तो विभव सूत्र से इसमें विभव सूत्र कौन सा लगेगा, वी बराबर डब्लू अपॉन क्यू, वी क्यू और डब्लू में समझिए वी बराबर डब्लू अपॉन क्यू। वी की वैल्यू क्या बराबर रखो 10, डब्लू ज्ञात करना है क्यू की वैल्यू 3, डब्लू बराबर क्या गया 10 गुणा 3, डब्लू बराबर 30 जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल जिसे जे द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो वी की वैल्यू दे रखी थी, आवेश अर्थात क्यू की वैल्यू दे रखी थी, और विभव सूत्र की सहायता से हमने डब्लू की वैल्यू ज्ञात कर ली, ठीक है ना। अब देखो इससे संबंधित कुछ और, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहता है, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में, 0.5 सेकंड में 2 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 0.5 सेकंड में 2 कूलम आवेश किसी क्या है कूलम है 2 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा का मान याद कीजिए, तो विद्युत धारा का मान याद कीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न में, किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में 2 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या क्या रखा लिखते हैं, प्रश्न में क्या लिखेंगे, एक तो विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड, तो सेकंड लगा इसका अर्थ है ये समय देता है, ए की वैल्यू 0.5 सेकंड, 2 कूलम आवेश क्योंकि वैल्यू दे रखी है 2 कूलम, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो अर्थात आई की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो विद्युत धारा सूत्र से विद्युत धारा सूत्र से आई बराबर क्या लिखते हैं क्यू अपॉन टी, ये लिखते हैं आई बराबर क्यू की वैल्यू कितनी है 2, टी की 0.5, हल करते हैं और आई बराबर पॉइंट टाइम ये 0 खुल जाएगा 20/5, आई बराबर 4 एम्पीयर, 4 बार, और ये क्या होता है एम्पीयर धारा का मात्रक, मात्रक लगाना आवश्यक होता है, ध्यान रखना धारा का मात्रक क्या होता है एम्पीयर जिसे ई द्वारा व्यक्त करते हैं, तो विद्युत धारा कितनी प्राप्त होगी इसमें 4 एम्पीयर प्रवाहित होती है।
और देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या इससे संबंधित। अब अगला टॉपिक देखते हैं, देखिए अगला टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम तो देखिए, जर्मनी के वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था जॉर्ज साइम ओम। क्या नाम था? जॉर्ज साइम ओम। उन्होंने एक प्रयोग किया जिसके आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया। तो ओम के अनुसार क्या बताया जाता है, जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था कौन कौन सी, ताप, दाब, आयतन को नियत रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन को नियत रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है, चालक तार के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है वो प्रवाह धारा क्या होता है, समानुपाती होता है। मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, इसमें ये जो है ये क्या विद्युत धारा में बाधा उत्पन्न होती है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे केवलर द्वारा व्यक्त करेंगे। तो देखिए ये कोई चालक तार था, ये भी ठीक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई आई, तो इसके सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है वो इस प्रकार का क्या होगा, समानुपाती होगा, अर्थात वी समानुपाती आई। बराबर करने के लिए नियतांक लेते हैं और इसे प्रतिरोध कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन आदि को नियत रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है ना, तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है वो प्रवाह धारा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो समानुपाती का सिर हो गया, बराबर करने के लिए नियतांक ले लिया, तो इसे क्या कहते हैं, उनका नियम कहते हैं, जहां पर आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है, वी क्या है, विभवांतर है, आई धारा है, ये तो विभवांतर हो गया आई विद्युत धारा। और आर प्रतिरोध, देखिए ये नियम तो अपना हुआ है उनका नियम बीस वन सॉरी बी बराबर आई आर, ठीक है ना, यदि ओम नियम की चर्चा होती है तो ये इक्वेशन यूज में ली जाएगी, ध्यान रखना वी बराबर आई आर। अब यहाँ पर आर क्या है, प्रतिरोध। अब देखिए प्रतिरोध की परिभाषा देखते हैं, जैसे प्रतिरोध का कहीं क्या होता है कि जैसे सड़क पर जो ब्रेकर होते हैं वो साधन की गति को क्या करते हैं, कम करते हैं, वैसे प्रतिरोध क्या होता है, चालक तार में विद्युत धारा के मान में क्या करता है, कमी करता है, ठीक है ना, बाधा उत्पन्न करता है। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे, प्रतिरोध किसे कहते हैं कि किसी चालक तार के आवेश प्रवाह में या विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाली बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, जिसे कैपिटल आर द्वारा व्यक्त करते हैं, किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, कैपिटल आर द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसका मात्रक ओम, इसका प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक है ना, इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं, अब इस ओम नियम से संबंधित तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए यदि किसी चालक को, यदि किसी चालक तार पर, यदि किसी चालक तार पर 0.5 एम्पीयर की
0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है यदि किसी चालक तार पर 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तथा उत्पन्न विभवांतर 2 वोल्ट होता है तथा उत्पन्न विभवांतर 2 वोल्ट है तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो तार के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए तो हमें क्या देखा है, यदि किसी चालक तार पर 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तथा उत्पन्न विभवांतर 2 वोल्ट है तो तार के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे, पहले प्रश्न में क्या देखा बोलिए तो कि तार में 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा, तो विद्युत धारा वाई द्वारा लिखते हैं, तो आई बराबर 0.5 एम्पीयर ये दे रखा है हमें, ठीक है ना। अब उत्पन्न विभवांतर 2 वोल्ट है, वी की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट, तो क्या कह रहे हैं प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, R की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो V है R है और I है, तो इससे पता चल रहा है कि कौन सा सूत्र लगेगा ओम नियम से। तो देखिए V R और I, तो इससे संबंधित कौन सा सूत्र बनता है ओम, तो ओम नियम से। तो ओम नियम क्या कहता है, V बराबर I R, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है वो देखो 2, I की 0.5 और R की हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। करते हैं देखिए क्या होता है, तो 2 0.5 का पक्षांतर भी अब आगे में चला गया, R R की वैल्यू निकालते हैं और हटाएंगे 0 पर 520 R बराबर 4 और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है, क्या होता है ओम, तो R की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 4 ओम। तो ध्यान रखना कि प्रश्न अनुसार पहले आपको क्या क्या दे रखा वो लिख लीजिए। जैसे इसमें क्या दे रखा था कि किसी चालक तार में 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा, तो विद्युत धारा किसके द्वारा लिखते हैं पहले तो वो ध्यान में रखो, ठीक है ना। तो विद्युत धारा किसके द्वारा लिखते हैं, I द्वारा लिखते हैं, तो I की वैल्यू लिखिए 0.5 A का अर्थ है एम्पियर। फिर क्या कह रहा है इसमें उत्पन्न विभवांतर कितना है 2 वोल्ट है, तो V की वैल्यू कितनी हो गई 2 वोल्ट, विभवांतर को V द्वारा लिखते हैं 2 वोल्ट। क्या कह रहा है तार के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, तो प्रतिरोध को किसके द्वारा करते हैं R के द्वारा, तो R की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। तो इन तीनों में क्या सूत्र बनता है वो देखिए, तो क्या सूत्र बनता है ओम नियम बनता है, तो V बराबर I R, तो वैल्यू रखिए और R की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, और ये ध्यान रखना साथ साथ में यदि करोगे तो समझ में आ जाएगा ये अध्याय, अन्यथा बहुत मुश्किल है, ठीक है। यदि साथ साथ में करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, गुड बाय।